मैं नीता चौहान आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गोडवी लर्नर्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो हमारा लेसन स्टार्ट हुआ है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पिछली वीडियो में हमने इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था और संतुलित समीकरण के बारे में, और रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार हो गए थे। आज हम जो इसके आगे के प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो थर्ड प्रकार है, इसका थर्ड काइंड है, वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, और इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक तीर के निशान के किस ओर होते हैं? बाईं ओर, और उत्पाद होते हैं दाईं ओर। तो इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं वे पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाते हैं, और उन उत्पादों को किसी भी अवस्था में लाने पर या किसी भी अनुपात में मिलाने पर दोबारा से हम अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, और उत्पाद बनने के बाद दोबारा से अभिकारक को प्राप्त नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल है, समीकरण है हमारी, सोडियम और जल को एक साथ मिला दिया, और मिलाने पर हमारा क्या प्राप्त हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, 2Na+2H2O, देन यू विल गेट 2NaOH+H2। ठीक है, अब आती है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न होती है, दोनों दिशा में संपन्न होती है, अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, और उत्पाद से पुनः हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, और गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। यदि हम CaO और CO2 को एक जगह ठंडा करके मिला दे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें? कैल्शियम कार्बोनेट। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में तीर के निशान या बराबर के स्थान पर हम निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं रिवर्सिबल का, यानी कि उत्क्रमणीय का। तो क्या हो जाएगी समीकरण? CaCO3 रिवर्सिबल, ताप दिया गया, क्या प्राप्त हो गया हमें? CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। CaO का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना। अब आती है हमारी अपघटन अभिक्रियाएं। क्या आती है? अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है? वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, या वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं या पदार्थों में टूट जाता है। अपघटन अभिक्रियाएं क्या होगी? वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित किया जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मीय अपघटन और दूसरा होता है विद्युत अपघटन। जो ऊष्मा के प्रभाव में होती है, जो अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है उसे बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन, और जो अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या क्या? पोटेशियम क्लोरेट को ऊष्मा दी गई तो हमें प्राप्त हो गया 2KCl+3O2। तो 2KCl3, देन यू विल गेट 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2, ऑक्सीजन के तीन अणु। जब हम जल में क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, 2H2O, देन यू विल गेट विद्युत, यानी कि जल में क्या करी? विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जल दो अणुओं में टूट गया, कौन कौन से? H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी पोटेशियम क्लोराइड कितने अणु में टूटे हैं? दो अणु में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब आती है वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। अपघटन और वियोजन अभिक्रिया में बस इतना ही अंतर है कि अपघटन तो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अपघटन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, वैसे ही वियोजन अभिक्रिया के भी
दो प्रकार होते हैं, एक ऊष्मीय व्योजन और दूसरा होता है विद्युत व्योजन। ऊष्मीय व्योजन क्या होगा, जो ऊष्मा के प्रभाव में होगा, और विद्युत व्योजन क्या होगा, जो विद्युत के प्रभाव में होगा। तो हमने क्या लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया और उसे ऊष्मा दी गई। क्या दी गई, ऊष्मा। तो ये कहीं बदल गया, पोटेशियम टेट्राक्लोराइड, सॉरी पोटेशियम ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन में, तो PCl5 रिवर्सिबल, PCl3 प्लस के Cl2। तो ये होगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन। वह अभिक्रिया जिस वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के आयनों या घटकों की अदला बदली होती है, आयनों या घटकों की अदला बदली होती है, यानी कि द्विविस्थापन होता है वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के आयनों या फिर घटकों की अदला बदली होती है। जैसे हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया कराई गई, दोनों को मिला दिया, तो क्या हुआ, NO3 तो चला गया सोडियम के पास और Cl चला गया सिल्वर के पास, तो क्या होगी, इनके आयनों की अदला बदली होगी, ठीक है, यानी पदार्थों की अदला बदली होगी, परमाणु होगी, तो क्या बन गया, AgCl NaNO3। क्या बन गया, AgCl और NaNO3। सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप और NaNO3। अवक्षेप ये बताया था कि एक सफेद रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो तली में बैठा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप, यानी कि जो जल में अविलीय होता है, घुलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक दूसरे के जो तत्व परमाणु होते हैं उनकी अदला बदली कर देते हैं। NA के साथ कौन था, Cl, तो Cl तो चला गया Ag के पास, NO को हटाया NO3 को और उसके पास खुद चला गया, तो NO3 को कहीं और जगह नहीं मिली, तो वो किसके पास गया, सोडियम के पास, तो क्या प्राप्त हो गया, AgCl प्लस के NaNO3। अब आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन, दोनों को एक साथ मिलाया, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, जल प्लस 136.8 कैलोरी उष्मा। जब हाइड्रोजन के दोनों और ऑक्सीजन का एक अणु लिया जाता है, तो वे दोनों मिलकर जल के दो अणु बनाते हैं, और प्लस कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 136.8 कैलोरी। अब आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि अपने अंदर अवशोषित करती है, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन का एक अणु लिया प्लस ऑक्सीजन का एक अणु, दोनों की अभिक्रिया हुई, तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया 2NaO नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसमें यू क्या करता है, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये 42 किलो कैलोरी ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। ऊष्माक्षेपी में तो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालते हैं, और N2+O2 जब अभिक्रिया करेंगे तो ये वायुमंडल की जो ऊष्मा है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये होगी हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब उसके बाद आती है उपचयन अभिक्रिया। क्या आती है, उपचयन अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी, तो उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे 2Cu+O2, कॉपर का चूर्ण ले लिया
और उसमें क्या कर दी, ऑक्सीजन प्रवाहित कर दी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी और उसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ताप दे दिया, तो हमें प्राप्त होगा 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें ये कॉपर क्या था, कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब दोनों ने अभिक्रिया करी, ताप दिएगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कॉपर में मिल गया, तो कॉपर के साथ क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यहाँ कॉपर का क्या होगा, उपचयन, ठीक है। अब उसके बाद आती है अपचयन अभिक्रिया, क्या आती है, अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि, तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे समीकरण है कॉपर ऑक्साइड 2CuO प्लस H2, 2CuO प्लस H2, देन यू विल गेट Cu प्लस H2O, क्या किया गया, ताप दिएगा। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई गई, हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। ये ऑक्सीजन किसके पास चले गया, हाइड्रोजन के, तो H2O हमें प्राप्त हो गया, यानी कि जल प्राप्त हो गया, और ये हो गया हमारा कॉपर। तो यहाँ पे CuO में से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब उसके बाद आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या आती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया है जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, यानी कि किसी पदार्थ में तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। तो 2CuO प्लस H2, देन यू विल गेट Cu प्लस H2O। अब इसमें तो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये क्या हो गया, हमारा उपचयन हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया की भी समीकरण है। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है, उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में या अणु में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे क्या बोलते थे, उपचयन। अब जिसकी सहायता से उपचयन होता है, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है, उसे बोलते हैं उपचायक। तो उपचयन किसकी सहायता से होगा, ऑक्सीजन की सहायता से, ओजोन की सहायता से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। अब आता है हमारा अपचायक, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उन पदार्थों को बोलते हैं अपचायक पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, HNO2 इत्यादि। अब आता है संक्षारण, क्या आता है, संक्षारण। आपने देखा होगा जब लोहे की नई वस्तु आती है, तो वो क्या होती है, चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो नमी के संपर्क में आती है, तो उस लोहे की वस्तु पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं जंग। तो जो जंग लगना है, उस जंग लगने को ही बोलते हैं संक्षारण, क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, तो वह धातु संक्षारित हो जाती है, और संक्षारित होने की घटना क्या कहलाती है, संक्षारण। संक्षारित होने की घटना क्या कहलाती है, संक्षारण। चांदी की जितनी वस्तुएं होती है, अगर वो नमी या वायु के संपर्क में आती है, तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। उसी प्रकार जो तांबे की वस्तुएं होती है, उस पर क्या होती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, संक्षारण के कारण। अब आती है विकृत गंधिता, क्या आती है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं,
खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या होती है, एक विशेष गंध होती है और स्वाद होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी गंध और स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि विकृत हो जाती है। विकृत का अर्थ होता है खराब हो जाती है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं उनकी क्या होती है, एक विशेष गंध होती है और स्वाद होता है, लेकिन कुछ समय बाद उनके गंध और स्वाद में क्या हो जाती है, खराबी आ जाती है। तो खराब, इनके स्वाद में खराबी आने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? यदि हम वस्तुओं को फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख दें तो कुछ सीमा तक पदार्थ यानी कि वस्तुओं को हम खराब होने से रोक सकते हैं। अब चिप्स के जो पैकेट आते हैं उसमें से क्या करते हैं, चिप्स को खराब होने से रोकने के लिए उसकी ऑक्सीजन तो बाहर निकाल दी जाती है और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो कम सक्रिय होती है, ठीक है। उसके बाद अब जो संक्षारण है, संक्षारण को हम कैसे, संक्षारण होने की जो प्रक्रिया है या धातुओं को हम संक्षारण होने से कैसे बचाएंगे? सबसे पहला जो उपाय है वो है धातु या लोहे की जो वस्तुएं होती है उस पर पेंट करके हम जो है धातु को वायु के संपर्क में आने से रोक सकते हैं। दूसरा है धातु पर जो है टीन की परत चढ़ाकर, टीन की परत चढ़ाकर, इसके उपाय क्या होगा, या तो टीन की परत चढ़ाओ और दूसरा होगा पेंट करके। क्या होगा? पेंट करके। विकृत गंधिता का उपाय क्या है? वस्तुओं को जो भी खाद्य पदार्थ है उसे फ्रिज में रखकर उसे कुछ सीमा तक खराब होने से रोका जा सकता है। दूसरा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसकी ऑक्सीजन बाहर निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तीसरा होता है जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें सुरक्षित करने के लिए क्या होता है, उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ रखा जाता है, उनमें क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे वस्तुओं को खराब होने से रोका जा सकता है। बच्चों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।